दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल PK एजुकेटर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो नई करेक्शन डेट आई है, यानी अपने फॉर्म वेरीफाई करवाने का जो दूसरा मौका दिया गया है, वो OBC के छात्रों के लिए नहीं है। क्यों नहीं? OBC छात्रों के लिए वेबसाइट खुली, OBC के छात्रों के लिए कितने परसेंट पर स्कॉलरशिप मिलेगी और क्या फीस वापसी होगी, सारे जवाब दिए हैं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने। तो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जो बात हुई है, जो उन्होंने जवाब दिया, वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए, और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों अपने क्रोम ब्राउजर में आपको जाके टाइप करना है टाइप बॉक्स में fastjobsearchers.info। ठीक है, आपको ध्यान देना है जो मैं बता रहा हूँ, fastjobsearchers.info ही टाइप करना है। और ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, यूपी स्कॉलरशिप के कोई भी अपडेट सबसे पहले इस वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाते हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वेबसाइट को यूज करिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है आपके यूपी स्कॉलरशिप चेक पेमेंट का, इस पर क्लिक कर देंगे आपको यूपी स्कॉलरशिप के ढेर सारे ऑप्शन, सारे अपडेट मिल जाएंगे इस वेबसाइट में। यहाँ पर आपको नीचे मैं चलिए दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए आप डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कॉलरशिप की लिस्ट पा सकते हैं, स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर सकते हैं, स्कॉलरशिप का बैंक अकाउंट से चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में आई या नहीं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और जल्द ही इस पर जो एक करेक्शन डेट आई है दूसरी, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बताया है। तो दोस्तों जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने कहा है वो बिंदुवार ये है, देखिए कि छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगी जिनका विगत वर्ष का प्राप्तांक 53.22% या उससे अधिक था। उन छात्र छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति धनराशि मुख्यालय के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है, यानी जिनका परसेंटेज 53.22% से अधिक था पिछली कक्षा में, तो उनकी छात्रवृत्ति भेजी जा चुकी है। दूसरे नंबर में उन्होंने ये बताया है कि पिछड़ा वर्ग शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिन छात्रों का विगत वर्ष का प्राप्तांक, यानी पिछली कक्षा में जिन छात्रों का परसेंटेज 68.21% से अधिक था, उन छात्र छात्राओं के खाते में शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि मुख्यालय के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। और अब यहाँ पर करेक्शन डेट के बारे में उन्होंने बताया है कि पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत शासनादेश द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार करेक्ट सस्पेक्ट डाटा की लाग करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2020 थी, जो समाप्त हो चुकी है। अतः निरस्त हुए आवेदनों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही संभव नहीं है, जबकि समाज कल्याण विभाग द्वारा यह कार्यवाही शुरू की गई है जनरल और SC के कैंडिडेट्स के लिए। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति योजना के संबंध में समस्त प्रकार की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है तथा समय सारणी में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इन्होंने स्पष्ट यहाँ पर बताया है, देखिए जो कटाव था वो भी बताया है कि 53.22 या उससे अधिक परसेंट वालों की स्कॉलरशिप भेजी जा चुकी है, पिछली कक्षा में 68.21 या उससे अधिक प्रतिशत वालों को फीस वापसी भेजी जा चुकी है उनके खाते में, और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने यह भी बताया कि जो डाटा लॉक करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी थी, तो OBC के यानी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा समय सारणी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वो यानी जो OBC के छात्र हैं वो अपना करेक्शन नहीं कर पाएंगे, अपना फॉर्म वेरीफाइड नहीं करवा पाएंगे। तो ये OBC के छात्रों के साथ काफ़ी अन्यायपूर्ण रवैया है सरकार का, या पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का कहें, सभी छात्रों को बराबर का मौका दिया जाना चाहिए। अगर जनरल और SC कैंडिडेट्स को अपने फॉर्म वेरीफाइड करवाने का और करेक्शन करने का मौका दिया जा रहा है तो सभी, चाहे वो OBC के हों चाहे माइनॉरिटी के हों, जनरल SC, सभी कैंडिडेट्स को ये मौका दिया जाना चाहिए। और अगर परसेंटेज क्राइटेरिया किसी कैटेगरी में नहीं लागू है तो OBC में भी ये परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं लागू होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।